बहन जी कैसे हैं आप? कुछ चीज़ें शॉपिंग करके मैंने लाई है, मैंने सोचा आपको बता दूँ। और सबसे पहले तो ये तो दुपट्टे लिए हैं मैंने। क्या पुत्र, एक मिनट सब्र करो, ये देखें फैन भी चले नीचे कर सकता है। मैंने कहा पहले आप लोग से शेयर करते हैं। ये इस तरह थोड़ी थोड़ी इनमें कढ़ाई हुई है और शिफॉन के हैं या चार चार टाइप के हैं। और एक ये दो दुपट्टे लिए हैं, एक हाफ वाइट और एक ये पीको सिंपल करवाई है इनके साथ। जी मेरा पुत्र जी, वाओ वाओ। ये जोया की पोनिया ली है, ये देखिए। अच्छा ये ली है कपड़ों के कैचर। उसके अलावा ये जैनब ने ली है दो मास्क। और ये ऐसी हम ये थे एक बाजार, इधर लगता है बुद्ध बाजार, उससे लेके आए हैं कुछ ये छोटी सी चीजें। बाकी सारी दुकानों से लाई है ये छोटी छोटी नेल पेंट। ये देखें नजर आ रही है जैन भी। और ये साथ दो कैचर, ये और ये दो कैचर। ये ऐसी जैनब के लिए लाए हैं, फातिमा ने पहनी होती है जैनब। ये दो जोया फातिमा के लिए लाई हैं, ऐसे ही उसको अच्छी लगती है रिंग्स। और उसके अलावा ये लाई है मेहंदी, और इसको साइड पे रखूंगी बाकी कपड़ों से। ये इधर लगाओ ऐसे। वाओ वाओ, मुँह नहीं डालनी। अच्छा और ये लाई है इनके लिए चूड़ियाँ, ये और एक ये चार चूड़ियाँ, दो जोया की हैं और दो फातिमा की। अच्छा उसके अलावा ये लिए बेबी लास्टिक, ये जैनब के कपड़े स्टिच करने हैं, वो देखो उसको अपे कर रही है। और इसके अलावा ये लैस ली है कपड़ों के साथ लगाने के लिए। ये इनके मैंने कपड़े अनस्टिच लिए हैं इस दफ़ा सिंपल से, क्योंकि फ्रॉक्स वगैरह तो पड़े हुए हैं। ये फिर लिए हैं जी फातिमा और जोया के कपड़े, ये मैं खुद स्टिच करूँगी, डिज़ाइन करूँगी, फिर आपसे शेयर करूँगी। उनके साथ ये लैस लगानी है। और अब जैनब आपको बता रही होगी सही तरह, पता नहीं सही नजर आ रहा है। और ये लिया है जी एक ब्लैक, इस तरह का मैं अपने लिए लाई थी, ये जैनब के लिए है। ये दो सूट का कपड़ा है और इसका जैनब का बनाना है जी फ्रॉक, ठीक है। और जैनब ने ब्लैक दुपट्टा पहना, कलरफुल पहना, कलरफुल भी घर में पड़ा हुआ है। ये रे जैनब के जी कपड़े, और इसके साथ जैनबी ने लिए हैं जी एक मिनट ये वाली ईयर रिंग, ये देखिए सर नजर आ रहे हैं। ये मैं इधर छोड़ती हूँ ना, ये ईयर रिंग ली है और साथ ये वाली ली हैं चूड़ियाँ, ठीक है। ये इसके कपड़ों के साथ की ईयर रिंग्स और चूड़ियाँ, तो ये हो गए। उसके अलावा अच्छा ये ली हैं कि क्या के चप्पल, दूसरी चप्पल वो फाड़ देते हैं जो मुंह में नहीं डाली। ये ले लो आप, ये लिए से अल्लाह की चप्पल, बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, कुछ 700-800 तक की चप्पल देते हैं। और ये ले चप्पल। इसके अलावा सॉरी मुंह में नहीं डालनी, छोड़ दो इसको, इसको छोड़ दो, ये ले लो। वाओ चूड़ियाँ पहने, चूड़ियाँ इधर जो है चूड़ियाँ पहनने की। अच्छा उसके अलावा सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे लगी है वो है फातिमा के चप्पल सैंडल। अब मुझे समझ नहीं आती उसको पूरी होंगी या नहीं होंगी, उस दुकान वाला कह रहा था पूरी होंगी, अब ना पूरी हुई तो फिर ये चेंज करवानी पड़ेगी। आपने बताना है आपको ये कैसी लग रही है। ये उसकी है और ये दूसरी जो है ये है जोया, जोया की पिंक कपड़ों के साथ पिंक सैंडल। अब उतर गर्मी हो जाती है, जोया डब्बा बंद कर रही है ये, तो फिर उसमें जो है सिंपल कपड़े ऐसे अच्छे लगते हैं। ये जोया की सैंडल है सिंपल सी, ये फातिमा की, ये जोया की।
ये चीज़ें जो मैंने पैक करके रखी हैं अभी अभी, कुछ जैनब ने कटिंग की है, कुछ मैंने की है। ये मटर जैनब ने निकाले हैं, बंद गोभी मैंने कट की है। आपके भाई इस दफ़ा दो कलर की बंद गोभी लेके आए हैं, एक पर्पल कलर की भी ले आए हैं। तो अच्छा, इसकी जब मैं कटिंग कर रही थी तो सारा इसका कलर मेरे हाथों के साथ लग रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही। उसके अलावा शिमला मिर्च भी कट कर दी है, पर्पल गोभी का मुझे बताना है, इसका जो कलर है वो हाथों के साथ लग रहा है। अब इसको मैं खानों में यूज़ करूँ या ना करूँ, जैसे समोसे वगैरह हो गए, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं पहली दफ़ा ये लेके आए हैं तो मुझे नहीं पता इसका कुछ इतना खास। उसके अलावा ये टमाटर दो जो है ख़राब थे आधे आधे, इनको मैंने कट करके तब फ्रीज़र में रखा है। ज़ोया बीमार है और ज़ोया की साथ से आ बैठा हुआ है मोबाइल लेके। ज़ोया की तबीयत ख़राब है, उसको बुखार है, आज 3-4 दिनों से है, खांसी बुखार फ्लू। मेडिसिन लेके आए हैं, डॉक्टर के पास लेके गए हैं। फातिमा को सैंडल पूरी नहीं थी, वो वाली है तो बहुत प्यारी थी बट पूरी नहीं थी, उसको फिर चेंज करवानी पड़ी है। दोबारा गई हूँ अब्दुल्ला के साथ, तो चेंज करवा के ये वाली सैंडल लेके आई हूँ। अब आपने बताना है, वो वाली ज़्यादा प्यारी थी या ये भी ये प्यारी है? आपके भाई को ये वाली अच्छी लगी है? मुझे दोनों ही अच्छी लगी थी। फातिमा का पाँव माशाल्लाह लंबा हो गया, तो पता ही नहीं चलता ना बच्चों के पाँव एकदम से लंबे हो जाते हैं, जैसे जैसे हाइट बड़ी होती है वैसे वैसे पाँव भी। और फिर दोबारा से ये चेंज करवा के ये वाली लेके आई। अभी ये सब्ज़ियाँ मैंने निकाली हैं फ्रिज से बाहर, शिमला मिर्च और बंद गोभी। उसके अलावा आलू बॉयल किए हैं, चिकन बॉयल करके इस तरह छोटी छोटी कर दी है, मिक्स कर दी है, ये मैं बनाने लगी हूँ। समोसों और रोल की स्टफिंग, ये सब्ज़ियाँ सारी सोते करके पर्पल वाली गोभी नहीं मिक्स की, और फिर ये फिल कर दूँगी समोसा और रोल के अंदर। तो ये था आज का व्लॉग। बाहर हो रही है हवा, ये देखिए हल्की हल्की सी, क्योंकि बाहर आ गई है ना। आपको पता है अभी हमारे घर में खूबसूरत खूबसूरत से फूल भी लगेंगे और खिलेंगे मतलब, और काम सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। और नेक्स्ट मॉर्निंग को मैं बना रही हूँ, एंड कर रही हूँ इसका। तो एक तबीयत खराब थी जिस वजह से आपको जब मैं समोसे और रोल बना रही थी वो नहीं बता सकी, क्योंकि ज़ोया की तबीयत ख़राब होती है तो वो फिर हैंडल करनी मुश्किल हो जाती है। या तो उसको जैनब उठा लेती है या मैं उठा लेती हूँ, फिर काम करते हैं, फिर ट्यूशन के बच्चे, फिर पेपर, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं ज़िंदगी में। सो ये थोड़ी सी चीज़ें थी, छोटी सी खुशियाँ थी मेरी। कोई काम होता है वो भी शेयर करती हूँ, खुशी होती है वो भी शेयर करती हूँ। आपको कोई चीज़ अच्छी लगा करें तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। और बहन को टेढ़े से ही तो हमें याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से प्यार से क्यूट से व्लॉग में, तो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।